तो आज हम समानुपात एवं विचरण के अंतर्गत प्रत्यक्ष विचरण एवं व्युत्क्रम विचरण एवं इन विचरणों के आम जिंदगी में उपयोगों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले समानुपात के बारे में जानें। तो समानुपात को जानने के लिए आइए इस उदाहरण का उपयोग लें। इस उदाहरण में एक वाहन द्वारा निश्चित समय पर निश्चित दूरी तय की जा रही है, जैसे कि 2 घंटे में 120 किलोमीटर, 3 घंटे में 180 किलोमीटर, 4 घंटे में 240 एवं 5 घंटे में 300 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। इस उदाहरण में देखें, यहां पर अगर आप 120 का अनुपात 2 से लेंगे तो यह 60/1 आएगा। इसी प्रकार आप 180 का अनुपात लें 3 से, तो यह भी 60/1 आएगा। एवं 240 का अनुपात 4 से लें, यह भी 60/1 आएगा। एवं 300 का अनुपात 5 से लें, तो यह भी 60/1 आएगा। यहां पर देखें, यहाँ पे सभी अनुपात एक दूसरे के बराबर है, जो कि 60 के बराबर है, अर्थात यह सभी अनुपात एक दूसरे के समानुपात है। तो यहां पर 120, 2, 180, 3 समानुपात है। इसी प्रकार 180, 3, 240 एवं 4 भी एक दूसरे के समानुपात है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बी सी और डी समानुपात में है तो ए का अनुपात बी से बराबर होगा सी का अनुपात डी से। एक उदाहरण ले लें, जैसे कि 5, 10, 6 और 12, ये चारों समानुपात में है। या कैसे, 5 का अनुपात 10 से देखें तो यह 1/2 आ रहा है, जो कि 6 का अनुपात 12 के बराबर भी है, क्योंकि ये भी 1/2 के बराबर आ रहा है। तो हमने अभी समानुपात के बारे में पढ़ा, अब हम विचरण के बारे में पढ़ते हैं। तो विचरण के पहले भाग अर्थात प्रत्यक्ष विचरण के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए उदाहरण के जरिए समझें। पहला ही उदाहरण मैंने लिया है, जिसमें वाहन निश्चित घंटे पे एक निश्चित किलोमीटर को तय करता है। यहां पे आप ध्यान से देखें कि जिस प्रकार समय बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार दूरी भी बढ़ती जा रही है। पहले 2 घंटे का समय था तो 120 किलोमीटर की दूरी तय की, 3 घंटे का समय हुआ तो 180 किलोमीटर की दूरी तय की। इसी प्रकार जिस प्रकार समय बढ़ता जा रहा है उसी प्रकार दूरी भी बढ़ती जा रही है। तो आप सोच भी सकते हैं कि ज्यादा दूरी तय करने में वाहन को ज्यादा समय लगेगा और कम दूरी तय करने में वाहन को कम समय लगेगा, अर्थात यहां पर दूरी और समय में प्रत्यक्ष विचरण है। तो प्रत्यक्ष विचरण हमने क्या समझा कि अगर कोई चीज बढ़े तो उससे जो दूसरी चीज संबंधित है वह चीज भी बढ़े, और घटे तो दूसरी संबंधित चीज भी घटे, तो इसे प्रत्यक्ष विचरण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे दूरी और समय, दूरी और समय में कि दूरी बढ़ती जा रही है तो समय भी बढ़ता जा रहा है, और दूरी घटती जाएगी तो समय भी घटता जाएगा। तो यहां पर दूरी और समय में प्रत्यक्ष विचरण है। अब यहां पे ध्यान से देखें कि 120 का अनुपात मैं 2 से लेता हूं तो 60 आता है, हमने अभी पिछले बार किया। इसी प्रकार 180 का अनुपात मैं 3 से लूं तो यह भी 60 आता है, एवं 240 का अनुपात मैं 4 से लूं तो यह भी 60, एवं 300 का अनुपात 5 से लूं तो यह भी 60 आता है। तो प्रत्यक्ष विचरण की यह एक खास विशेषता है कि इनके अनुपात बराबर होते हैं। ये देखें 60 बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर
वाई और एक्स में प्रत्यक्ष विचरण है तो वाई का अनुपात एक्स से के आएगा, जहां पर यह के अचर है। अचर का अर्थात कि के का मान बदलेगा नहीं, यह स्थिर रहेगा, ठीक है। तो यहां पर के अचर है। दूसरी चीज देखें, अगर हम x को दूसरी तरफ ले जाएं तो y बराबर हो जाएगा के एक्स के, तो यह प्रत्यक्ष विचरण का, यह प्रत्यक्ष विचरण का समीकरण है। प्रत्यक्ष विचरण का समीकरण है। गणित में प्रत्यक्ष विचरण को एक और चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगर गणित में इस चिन्ह के द्वारा प्रत्यक्ष विचरण को प्रदर्शित किया जाता है, अगर आपको कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह दिखे, इसका अर्थ है कि y और x में प्रत्यक्ष विचरण है। अर्थात अगर y का मान बढ़ेगा तो x का भी मान बढ़ेगा, अगर x का मान घटेगा तो y का मान भी घटेगा। यह एक y और x में संबंध बताता है कि किस प्रकार का संबंध है, बढ़ने का संबंध है। अर्थात x अगर बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x अगर घट रहा है तो y में क्या संबंध आ रहा है, इस संबंध को यह प्रदर्शित करता है। इससे हम x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह नहीं है। अगर हमें यहाँ पे बराबर का चिन्ह लाना है तो एक अचर के साथ इस x को गुणा करना पड़ता है। और आप यहां देखें कि यह समीकरण और यह समीकरण बराबर है। अर्थात अगर y और x में प्रत्यक्ष विचरण है, y का अनुपात x से k आएगा, अथवा y और x में ऐसा संबंध हम देखेंगे। तो इस प्रकार हम गणित में प्रत्यक्ष विचरण को दर्शाते हैं। आइए प्रत्यक्ष विचरण पे एक प्रश्न करें। इस प्रश्न में बच्चों की संख्या एवं जमा राशि दी हुई है। अर्थात बच्चे कहीं पर्यटक पे जा रहे हैं तो उन्हें राशि जमा करनी पड़ रही है उस पर्यटक के लिए। तो प्रश्न में दिया भी गया है कि बच्चों की संख्या एवं जमा राशि में प्रत्यक्ष वितरण है। और हम खुद भी सोच सकते हैं कि बच्चों की संख्या अगर बढ़ेगी तो जमा राशि साफ सी बात है बढ़ेगी। अगर बच्चों की संख्या कम होगी तो कम बच्चे जाएंगे तो कम बच्चे जमा राशि करेंगे, है ना। तो हम ये खुद भी सोच सकते हैं। आइए अब इस प्रश्न को हल करें। यहां पर तीन रिक्त स्थान है। इस रिक्त स्थान में बच्चों की संख्या हमें बतानी है, यहाँ पर जमा राशि बतानी है और यहाँ पर बच्चे की संख्या बतानी है। मान लेते हैं यहाँ पे बच्चे की संख्या x है, यहाँ पे जमा राशि y है और यहाँ पे बच्चों की संख्या z है। क्योंकि बच्चों की संख्या और जमा राशि में प्रत्यक्ष वितरण है तो 5 का अनुपात 10 से बराबर होगा, x का अनुपात 20 से बराबर होगा, 30 का अनुपात y से और ये बराबर होगा z का अनुपात 80 से। ये हमने अभी पिछली बार किया। तो x का अनुपात 20 से 5/10 दिया हुआ है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, तो x का मान आ जाएगा 10। y का मान लिखें, y के मान को हल करें, 30 का अनुपात y से 5/10 के बराबर है, तो y 30 गुणे 2 के बराबर है 60। z का मान हल करें, z का अनुपात 80 से 5/10 के बराबर है, तो z का मान आ जाएगा 40। तो इस प्रकार हमने x अर्थात बच्चे की संख्या निकाली, y एवं z को भी हल किया। अर्थात अगर बच्चों की संख्या 10 होगी तो उन्हें जमा 20 रुपए जमा करनी होगी, और अगर बच्चे की संख्या 30 है तो उन्हें 60 रुपए जमा करनी होगी। इसी प्रकार अगर बच्चों की संख्या 40 होगी
तो जमा राशि हमें 80 रुपए की करनी होगी। तो इस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विचरण के बारे में पढ़ा। आइए अब व्युत्क्रम विचरण के बारे में पढ़े। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखें। इस उदाहरण में मजदूरों की संख्या और दिन, अर्थात एक दीवार को बनाने में मजदूरों को कितने दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पे 30 मजदूर हैं तो 4 दिन लग रहे हैं। यहाँ पे मजदूर कम हुए अर्थात 20 हुए तो 6 दिन लगेंगे। साफ सी बात है, क्योंकि मजदूर की संख्या अगर कम हो जाएगी तो ज्यादा दिन लगेगा उन्हें बनाने में। इसी प्रकार और कम हो गई तो और भी ज्यादा दिन लगेगा, अर्थात 12 दिन लगेंगे। तो और यहाँ पर भी 5 मजदूर हो गए, काफी कम मजदूर हो गए, तो यहाँ पे दिन भी बहुत ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, इस उदाहरण में मजदूरों की संख्या कम होती जा रही है तो दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे प्रत्यक्ष विचरण से उल्टा चल रहा है, तो ऐसे संबंध को व्युत्क्रम विचरण कहते हैं। तो इस उदाहरण में मजदूरों की संख्या और दिन में व्युत्क्रम विचरण है। अब यहां ध्यान से देखें कि हमने प्रत्यक्ष विचरण में क्या किया था कि इनका अनुपात लिया था, अर्थात 30 का इनका अनुपात देखा था। इनका अनुपात आएगा 15/2 के बराबर। बीस का अनुपात 6 से ले तो 2 से काटे 10/3, ये 10/3। 10 का अनुपात 12 से ले तो 5/6, और 5 का अनुपात 24 से ले तो 5/24। यहाँ पे ये अनुपात बराबर नहीं आ रहे हैं। ये देखे 15/2 10/3 के बराबर नहीं है, इसी प्रकार 5/6 के भी बराबर नहीं है और 5/24 के भी बराबर नहीं है। तो इस व्युत्क्रम विचरण में इन अनुपातों के जरिए इसकी विशेषता को नहीं समझ सकते। तो आइए कुछ और देखते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखें कि अगर मैं इस 30 और 4 को गुणा करूं तो यह 120 आ रहा है। इसी प्रकार अगर मैं 20 को 6 से गुणा करूं, अर्थात यहां 20 को 6 से गुणा करूं, तो कमाल की बात है, यहां पर भी 120 आ रहा है। इसी प्रकार 10 को मैं 12 से गुणा करूं तो भी 120 आएगा, और 5 को मैं 24 से गुणा करूं तो ये भी 120 आएगा। तो यहां पर व्युत्क्रम विचरण की विशेषता झलकती है, क्योंकि यहां पर हमें एक अचर मिल गया है, अर्थात एक ऐसा मान मिल गया जो बदल नहीं रहा है। जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विचरण में एक अचर निकाला था अनुपातों के जरिए, यहां पर हम अचर निकाल रहे हैं गुणा के जरिए। तो व्युत्क्रम विचरण की यह विशेषता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर वाई और एक्स में व्युत्क्रम विचरण है तो वाई गुणे एक्स के बराबर होगा, और यहां पर जो के है वह अचर है, अर्थात इसका मान नहीं बदल रहा है। तो हम एक्स को दूसरी तरफ ले जाएं तो यह के का अनुपात एक्स, तो वाई के अनुपात एक्स के बराबर हो जाएगा। तो यह व्युत्क्रम विचरण का समीकरण है। जिस प्रकार हमने प्रत्यक्ष विचरण को विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया था, इसी प्रकार इसको भी विशेष चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और वह इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। यह संबंध y और x में बता रहा है, और वह कैसा संबंध कि अगर आप x के मान को बढ़ाएंगे तो y का मान घटने लगेगा, और x के मान को अगर घटने देंगे तो y का मान बढ़ेगा। तो यह व्युत्क्रम विचरण को बता रहा है, अर्थात y और x में व्युत्क्रम विचरण है। हमने पहले किया कि इस ग्रीक अक्षर को हटाने के लिए, बराबर लाने के लिए हम एक अचर से गुणा करते हैं। तो मैंने अचर से 1/x को गुणा किया। ध्यान से देखिए कि यह समीकरण इस समीकरण के बराबर है। तो अभी हमने व्युत्क्रम विचरण के बारे में पढ़ा, किस प्रकार हम व्युत्क्रम विचरण को गणित में प्रदर्शित कर सकते हैं।
इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। आइए अब व्युत्क्रम विचरण पर कुछ सवाल करें। तो इस प्रश्न में बच्चों को पर्यटक पर ले जाया जा रहा है। स्कूल ने कुल 10 बच्चों से 100 राशि ली, लेकिन किसी कारणवश उन 10 में से एक बच्चे ने जाने से मना कर दिया। तो स्कूल को उस बच्चे को कितनी राशि वापस करनी होगी? तो पहले तालिका बना लें इस प्रकार, जिसमें बच्चों की संख्या एवं जमा राशि। पहले क्या था कि 10 अगर बच्चे हैं तो कुल 100 राशि देनी पड़ रही है बच्चों को स्कूल में। और प्रश्न में दिया गया है कि उन 10 में से एक बच्चे ने जाने से मना कर दिया, अर्थात अब बच्चों की संख्या हो गई 9। तो अब हमें जमा राशि निकालनी है। अगर और हमें प्रश्न में निकालना है कि कितनी राशि वापस देनी पड़ेगी उस बच्चे को। तो अगर हम इस जमा राशि को निकाल दें और 100 में से अगर इस जमा राशि को घटा दें तो वो राशि, तो उतनी ही राशि स्कूल को वापस करनी होगी। अब हम पता करते हैं कि बच्चों की संख्या एवं जमा राशि में प्रत्यक्ष विचरण है या फिर व्युत्क्रम विचरण है। तो सोच के देखें कि बच्चों की संख्या अगर बढ़ेगी तो ज्यादा राशि जमा होगी स्कूल में, और बच्चों की संख्या कम होगी तो राशि भी कम जमा होगी, अर्थात बच्चों की संख्या एवं जमा राशि में प्रत्यक्ष विचरण है। प्रत्यक्ष विचरण है। तो हमें पता है जब प्रत्यक्ष विचरण होता है तो अनुपात बराबर होते हैं, अर्थात 10 का अनुपात 100 से 9 का अनुपात, मान लेते हैं यह राशि x है, तो x का मान हो जाएगा 9 गुणे 100 बटे 10 अर्थात 90। तो यह राशि 90 हुई। तो कितनी राशि वापस देनी पड़ेगी स्कूल को उस बच्चे को? वापस राशि सौ में से 90 को घटा कर देंगे अर्थात 10 रुपये। 10 रुपये उस एक बच्चे को वापस कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को हल किया। तो आज हमने समानुपात एवं विचरण के बारे में पढ़ा, एवं विचरणों का उपयोग हम आम जिंदगी में कहाँ पर कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में भी पढ़ा। धन्यवाद।